आपने कभी देखा या सुना है 6 चक्के घोड़े के साथ 55 टन ग्रॉस वेट? आमतौर पे आपने 22 चक्का ट्रैक्टर ट्रेलर देखे होंगे जिसमें 55 टन आपको ग्रॉस वेट मिलता है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग किस्म का घोड़ा है जिसमें 6 चक्के घोड़े और 12 चक्के ट्रेलर में आपको 55 टन ग्रॉस वेट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे अशोक लीलैंड के 5525AU का। ये नया मॉडल 6 चक्का घोड़ा है। ये गाड़ी फुल फ्रंट मेटल फेसिया के साथ है जो पहले से ज़्यादा सेफ्टी और इजी रिपेयरबिलिटी का ऑप्शन देता है। खूबसूरत डबल राउंड हेडलैम्प्स लगे हैं जिसके बगल में ही साइड इंडिकेटर्स हैं। यहाँ सेंटर में अशोक लेलैंड का लोगो है, उसके ऊपर अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग, ड्राइवर साइड में 5525AU मॉडल नंबर की ब्रांडिंग है। एक्स्ट्रा हैवी बम्पर गाड़ी की सेफ्टी को बढ़ा रहा है। को ड्राइवर साइड में AVTR की ब्रांडिंग की गई है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ ये एडिशनल फुटरेस्ट लगाए गए हैं जिससे बड़े और ऊंचे केबिन में चढ़ने उतरने में आसानी हो। 3400 mm व्हीलबेस है इस घोड़े का और इसमें आपको टायर्स मिलेंगे 295/90 रेडियल 20 साइज के। रेक्टेंगुलर क्रॉस लिंक पॉलीमर डीजल टैंक है 400 लीटर का। लैडर चेसिस पे ये गाड़ी बनी है। ओवरऑल गाड़ी का डायमेंशन आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। BS6 में EGR प्लस SCR कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है जिससे कि आम गाड़ी के मुकाबले एडब्लू की कंजप्शन कम हो जाती है। LED बैकलाइट गाड़ी में लगाए गए हैं। एक तो इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, दूसरा फ्यूज होने का या टूटने फूटने का डर भी कम रहता है जिससे टेल लाइट की लाइफ बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं 2 रियर व्यू मिरर्स हैं, एक नॉर्मल जो सभी गाड़ियों में लगा होता है और दूसरा वाइड एंगल जो ज़्यादा एरिया कवर करता है। नीचे पीप विंडो लगा है जो एक तरह का सेफ्टी ग्लास है जिससे ड्राइवर नीचे जा रही छोटी गाड़ियों को देख सके। आमतौर पे आपको इस तरह का फीचर्स बसेस के अंदर मिलता है। बटरफ्लाई क्वार्टर ग्लास लगे हैं जिससे केबिन में एयर सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे केबिन में गर्मी कम रहती है। अब आइए केबिन के अंदर चलते हैं। बढ़िया डिजाइन किया हुआ डैशबोर्ड है। लॉकेबल ग्लोब बॉक्स दिए गए हैं जिसमें हम गाड़ी का पेपर या कोई अनइम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये पार्किंग ब्रेक है और ये AC का ब्लोअर वेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो ये स्पीडोमीटर, नीचे फ्यूल गॉज, बीच में LED स्क्रीन लगा है जिसमें रिवर्स पार्किंग असिस्ट, GPS नेविगेशन जैसे फीचर्स को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर RPM और नीचे टेम्परेचर मीटर लगा है। कार के जैसा स्मूथ 9-speed केबल शिफ्ट गेयरबॉक्स और कटाई करने में पहले से सॉफ्ट स्टीयरिंग लगे हैं। ओवरहेड रेस्ट में लॉकेबल ग्लोब बॉक्स है जो जनरली गाड़ियों में नहीं मिलता है। काफ़ी स्पेसियस और खूबसूरत डिजाइन किया हुआ केबिन है। स्लीपर बर्थ भी काफ़ी बड़ी और अच्छी है। जैसा कि हमने आपको बताया, पहले 55 टन ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट आपको 22 चक्के ट्रैक्टर ट्रेलर में मिलता था जिसमें 10 चक्का घोड़ा होता था और 12 चक्का ट्रैक्टर ट्रेलर होता था। वहीं 5525 में 6 चक्के घोड़े के साथ 12 चक्के ट्रेलर को लगाकर हमें 18 चक्के में ही 55 टन ग्रॉस वेट मिल जाता है। तो एक एक्सल आपका कम हो गया। इसके फायदे, टायर लाइफ बढ़ जाएगी, गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से एयर सस्पेंडेड स्प्रेड ट्रेलर लगाना होगा जिसके 3 एक्सल के बीच में गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार गैप होना चाहिए। गाड़ी में iGen 6 टेक्नोलॉजी के साथ 6-सिलेंडर H सीरीज इंजन लगा है जो 246 HP पावर और 900 Nm फ्लैट टॉर्क कर्व के साथ मैक्सिमम माइलेज प्रदान करता है। 9-speed गियर बॉक्स हैं 380 mm क्लच के साथ। फुल एयर ड्यूल लाइन ब्रेक्स ABS टेक्नोलॉजी के साथ लगे हैं। इंटीग्रेटेड ब्रेक और क्लच पैडल यूनिट लगे हैं जो ब्रेक और क्लच के सेटिंग से आज़ादी देता है। ये गाड़ी यू केबिन में है। हालांकि AVTR रेंज में 4 तरह का केबिन ऑप्शन हमें मिलता है जो कुछ इस प्रकार से है। पहला है जी काउल जो ऑल मेटल फेसिया के साथ आता है
जिसे आप अपने मनपसंद केबिन डिजाइन में बाहर के बॉडी बिल्डर से बनवा सकते हैं। दूसरा एम केबिन जो एक इकोनॉमी केबिन है और क्रैस्टेस स्टैंडर्ड रेगुलेशन के हिसाब से बनाया गया है। थर्ड यू केबिन है जो हमारी इस गाड़ी में लगा है, ये मीडियम रेंज का केबिन है जिसमें इकोनॉमी और कम्फर्ट दोनों को ध्यान में रखा गया है। लास्ट एन केबिन 4 पॉइंट सस्पेंडेड प्रीमियम केबिन है जिसे लॉन्ग डिस्टेंस में ड्राइवर कंफर्ट और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपने पसंद का केबिन ऑप्शन ले सकते हैं। एसी का भी ऑप्शन गाड़ी में मौजूद है। चेसिस की मजबूती के लिए एडिशनल नोडू ब्रैकेट लगाया गया है, इससे केबिन लेंथ भी इंक्रीज होती है। ये जो आप देख रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जिसे एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं लगा है जो इस एग्जॉस्ट पाइप से जुड़ा हुआ है। कॉम्पैक्ट ईट्स एडब्लू कंजप्शन को कम करके हमें लॉन्गेस्ट रीजनरेशन इंटरवल देता है। पहले BS4 में EGR आता था जिसमें एडब्लू यूज नहीं करना होता था। ईट्स में एडब्लू के छिड़काव की मदद से धुएं में निकलने वाले हार्मफुल गैसेस को कम किया जाता है। ये 48 लीटर एडब्लू टैंक है। हेवी ड्यूटी एयर कंप्रेशर भी लगे हैं जो कम समय में एयर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। गाड़ी के फ्रंट में पैराबोलिक सस्पेंशन लगे हैं। ऑप्शनल में सेमी इलेप्टिकल मल्टी सस्पेंशन की सुविधा भी गाड़ी में उपलब्ध है। रेयर में सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ और हेल्पर स्प्रिंग पैराबोलिक सस्पेंशन लगे हैं। सस्पेंशन हमारे इंडियन रोड्स और पे लोड दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं और हमें अलग से सस्पेंशन स्प्रिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड गाड़ी में है। बैटरी 110 एच से 120 एच हो गया है। वहीं एसी केबिन के लिए 150 एम्पियर आवर्स हो जाते हैं। ये पैनल दिया गया है, ये क्लीनर पहले पीछे था जो आगे हो गया है। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमने AVTR वर्ड यूज किया था। ये अशोक लेलैंड की मॉडुलर ट्रक्स एवं ट्रैक्टर ट्रेलर रेंज है। मॉडुलरिटी का कुल मिलाकर मतलब है कॉमनलिटी ऑफ पार्ट्स। आप चेसिस को लंबा छोटा कर सकते हैं, चेसिस पे जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेसिबल हैं। मीन्स 55-25 का पार्ट्स 19-20 में लग जाएगा, 28-20 का पार्ट्स 35-20 में लग जाएगा। कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म मॉडुलर है। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह के नए पुराने कमर्शियल व्हीकल्स के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।